अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज शेरा मुनव्वर सिद्दीकी और इस वक्त आप मुझे ARY Digital के पोर्टल पर देख रहे हैं। फॉर मोर एक्साइटिंग न्यूज सब्सक्राइब टू द YouTube चैनल ARY Digital। पप्पी, अम्मा ने तुझे कितने मान से भी आया था, वो मान तूने आज तोड़ दिया। कोई भी सारी जिंदगी तक तो साथ नहीं निभाता ना, जितना साथ था निभा दिया। इन्हें बहुत गहरा सदमा पहुंचा है जिसकी वजह से इनके दिमाग पे गहरा असर हुआ है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, अभी एक घंटे तक इन्हें होश आ जाएगा। लेकिन ख्याल रहे दोबारा ऐसी कोई बात दोबारा इनके सामने ना हो। मिली तुम्हारी रिपोर्ट, तुम मामा बनने वाली हो और मैं पापा बनने वाला हूँ। आप सच कह रहे हैं? आपके जहर का था? ओ, मैं तो भूल ही गई कि आप तो भाग कर आई थी और भागी हुई लड़कियों को जहर कहाँ मिलता है। तुम जैसे बड़े लोगों से हम छोटे लोग भी थे। दूसरों की इज्जत का ख्याल तो है हमें। इज्जत? कौन सी इज्जत की बात कर रही हैं आप? जो इल्जाम आपने काशान पे लगाया ना, वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। मैंने कोई इल्जाम नहीं लगाया, मैंने सच और हक की बात की। ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन सच कह रहा है और कौन झूठ। वैसे भी आपकी हैसियत और शक्ल देख के लगता नहीं कि आप सच कह रही हैं। झूठ बोल रही हूँ कायनात, तुम्हें खुदा का खौफ नहीं है? मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ, मैं झूठ बोल रही हूँ। नहीं मिलाया तुमने जहर? नहीं हसन, ये झूठ बोल रही है। मैं जहर क्यों मिलाऊंगी? तुम झूठ क्यों बोल रही हो, बताओ हसन को। हसन, मैंने कुछ नहीं किया, ये झूठ बोल रही है। हसन भाई, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं सच बोल रही हूँ। ये अपने पागलपने में खाला की चाय में जहर मिला रही थी। तुम क्यों झूठ बोल रही हो कायनात? मैंने कोई जहर नहीं मिलाया, तुम्हें खुदा का खौफ नहीं है? मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ, मैं झूठ बोल रही हूँ। नहीं मिलाया तुमने जहर? सारी नसीन बाजी, कहाँ सुना, माफ कर देना, अम्मा की तरफ से भी और मेरी तरफ से। पप्पी, अम्मा ने तुझे कितने मान से भी आया था, वो मान तूने आज तोड़ दिया। कोई भी सारी जिंदगी तक तो साथ नहीं निभाता ना, जितना साथ था निभा दिया। तू जहां रहे खुश रहे, हमारी तो यही दुआ है बस। कोई अच्छा सा लड़का देख के हमारी गुड़िया की शादी कर देना। फिक्र ना करो शराफत, ये गुड़िया मेरी बेटी है। चले। अच्छा, हमें इजाज़त है भाभी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। नसीम बाजी, बाजी जी ने कुछ पैसे दिए थे, रख लो, मैं देना भूल गया। ये तेरी कमाई है, इस पे तेरा हक, मेरा कोई हक नहीं है।
इसे साथ लेके जा, तेरे काम आएगा। अब जा वरना मेरा दिल भर आएगा। ख्याल रखियो अपना। हेलो हेलो नीली, मैं अम्मा। कैसी है तू? अम्मा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू बता कैसी है? हाँ बस मैं भी ठीक ही हूँ। क्या बात है अम्मा, कुछ हुआ है क्या? वो गुड़िया का ना ताया आया था गांव से, उसको ले गया है, वो चली गई है गुड़िया वापस। क्या, गाँव क्यों चली गई? तूने उसे रोका नहीं? बहुत रोका मैंने गुड़िया को, लेकिन उसकी जिद के आगे मैं खामोश हो गई। गुड़िया मेरे लिए एक आस थी, उसको देखकर ना मुझे बाली की कमी महसूस नहीं होती थी। लेकिन अब क्या कर सकते, अब तो ना गुड़िया है और ना ही बाली है, बस मैं हूं और ये खाली घर। अम्मा अब्बा तो है ना तेरे पास, तू अकेली थोड़ी ऐसी बातें क्यों करती है? हाँ वो मुझे ये बता, वो तू केस के लिए गई थी ना, क्या बात हुई, अदालत ने क्या फैसला सुनाया? अम्मा 7 साल की कैद हुई है। देख मैं ना कहती थी खुदा की लाठी बड़ी बेआवास होती है, अब तू शुक्र अदा कर और अपनी जिंदगी सुकून से बसर कर बस। अम्मा मैं तुझसे बाद में बात करती। इन्हें बहुत गहरा सदमा पहुंचा है जिसकी वजह से इनके दिमाग पे गहरा असर हुआ है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, अभी 1 घंटे तक इन्हें होश आ जाएगा। लेकिन ख्याल रहे दोबारा ऐसी कोई बात दोबारा इनके सामने ना हो। रख सर, ना कुछ हो गया। तुम्हारी गुनाहगार, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन एक आज मजबूर माँ तुम्हारे सामने अपने बेटे के लिए झोली फैलाए भीख मांगी। मेरे बेटे के खिलाफ कयाई मत देना, ये एक माँ की इल्तजा है, माँ की इल्तजा है। मैं जानती हूँ ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। आपको पता है मैं परेशान क्यों थी? सिर्फ इसलिए कि एक माँ की इल्तिजा थी मुझसे कि मैं उसके बेटे के खिलाफ गवाही ना हूँ, और मुझसे ये झूठ नहीं हुआ। नीली, अगर इंसान का दिल साफ हो ना तो उसे जुबान से बात करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं।
میں اللہ کی کوئی نہ کوئی بہتری ہے, اور جہاں تک ماما کا تعلق ہے وہ بھی سمجھ ہی جائیں گی. لیکن حسن خالہ کو کون سمجھائے؟ نیلی مجھے تم پہ پورا بھروسہ ہے. نیلی نیلی کیا ہوا, خود کو سنبھالو. ایک کام کرو یہاں بیٹھو, تم اپنا خیال کیوں نہیں رکھتی ہو یار, بیٹھو. پتہ نہیں مجھے چکر آ رہے ہیں بہت. شام میں تمہیں ڈاکٹر کی طرف لے جاؤں گا, اور جب تک ماما کی حالت بھی بہتر ہو جائے گی. ہو گیا, کانوں میں آواز نہیں آتی ہے کیا؟ کب سے دروازہ بجا رہا ہوں, پاگل ہو گئی ہو؟ نہیں وہ نہ میں. کون ہے گھر میں؟ ہاں کوئی یار کوئی عاشق آیا ہوا ہے؟ ہاں آیا ہوا ہے نا کوئی؟ کوئی نہیں ہے گھر پہ. چراغ چھپایا ہوا ہے؟ اے کون ہے؟ کوئی نہیں ہے. کوئی نہیں ہے. ہاں کوئی نہیں. بتاؤ مجھے کس کو بلایا, میں پوچھ رہا ہوں نا کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. آہستہ بات کرو, آہستہ بولو. آپ مجھے غلط کیوں سمجھ رہے ہیں؟ غلط تو تو ہے, غلط ہے تو, تبھی تو تجھے چھوڑ کے گیا تیرا پہلا شوہر. یہ جھوٹ یہ مکاری تیرے چہرے پہ لکھی ہوئی ہے. تیری جیسی عورت کو نا مار دینا چاہیے, چھوڑنا نہیں چاہیے, کیونکہ پھر وہ عزت بدنام کرتی ہے روڈوں پہ. لیکن میں تجھے چھوڑ کے نہیں جاؤں گا, ان سین میں مار کے گاڑ دوں گا تجھے. سمجھ میں آئے؟ پانی لے کے آپ, اٹھ پانی لے کے آپ. حسن پتہ نہیں مجھے الٹی ہو گئی ہے ابھی, اور میں جب کائنات سے بات کر رہی تھی نا تب بھی میری طبیعت بہت عجیب ہو رہی تھی. نیلی ایسی حالت میں ایسا ہوتا ہے, اور نیلی میں تمہیں بتا نہیں سکتا کہ آج تم نے مجھے کتنی بڑی خوشی سے نوازا ہے. میں نے کیا کیا ہے؟ نیلی تمہاری رپورٹ آ گئی, تم ماما بننے والی ہو اور میں پاپا بننے والا ہوں. آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ ہاں ایک دم بالکل سچ. تم ایک کام کرو, آرام سے ادھر آؤ, آرام آرام سے, بالکل آرام سے, بالکل جذباتی نہیں, ادھر بیٹھو. نیلی تم اپنا بہت خیال رکھنا,
और खबरदार अगर तुमने बिस्तर से पाँव नीचे रखा तो बस सिर्फ तुम अब आराम करोगी। तो अब क्या मैं सारा दिन बिस्तर पर बैठी रहूंगी? नीली, अल्लाह ने हमें कितनी बड़ी नेमत से नवाज रहा है, तो हमारा फर्ज है ना कि हम इसका ख्याल रखें। और मैं कुछ नहीं सुनूंगा, बस सिर्फ तुम आराम करोगी। आप खुश हैं ना? नीली, मैं बता नहीं सकता आज मैं कितना खुश हूं। तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है, मेरे पास वर्ड नहीं है उसको बयान करने के लिए। आज पहली बार मैंने आपको बहुत खुश देखा। नीली, मैंने जो चाहता मुझे वो सब कुछ मिल गया, और जिंदगी में मुझे किसी चीज की ख्वाहिश नहीं। खाला सुनेंगी तो उनको कितनी खुशी होगी ना? देखना, मामा को जब पता चलेगा ना कि तुम मां बनने वाली हो तो वो कितना खुश होंगी। और हाँ, उनका रवैया भी अब तुम्हारे साथ बिल्कुल चेंज हो जाएगा। यही तो मैं चाहती हूँ। नीली, बस सिर्फ तुम अपना ख्याल रखना। मेरा ख्याल तो आप रखेंगे। अच्छा ठीक है, तुम्हारा ख्याल मैं रखूंगा। हैप्पी? मेरी कायनात से बात हुई थी, मुझे लगता है वो आ जाएगी हमारे पास। अरे वाह, इससे अच्छी और क्या बात होगी। मैं चाहती हूँ कि थोड़ा टाइम वो हमारे साथ भी तो गुजारे ना। ये तो और अच्छी बात है ना नीली। ठीक है। दिस इज माया अली, और मैं क्या कर रही हूँ फोन पे, मैं एक ऐप डाउनलोड कर रही हूँ, वो है ARY Digital की, क्योंकि मुझे बहुत कुछ जानना होता है हमारी फिल्म के बारे में, क्या क्या बात हो रही है। सो जस्ट गो एंड डाउनलोड दिस ऐप ऑन योर फोन। थैंक यू।